हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। जय हिंद। कैसे हैं आप? लीनियर अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में LTV कहेंगे। रैंक कैसे निकालते हैं ये पहले हम बता चुके हैं। एल जो है नलटी, ठीक है ना, जिसको हम कर्नल भी कहेंगे, नल स्पेस भी कहेंगे। डायमेंशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, साथ में डायमेंशन थ्योरम क्या है, इसको रैंक नलटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना, नल स्पेस भी कहेंगे इसको। ये सभी चीजों का डिस्कस हमें करना है, ठीक। तो चलिए डियर, अब इसमें से थोड़ा सा मैंने पूरा पहले से लिख रखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं लिख करके पहले से रख लेता हूँ, जिससे समझाने मुझे भी ठीक पड़ पाएगा, जल्दी से हो जाएगा और आपको बढ़िया समझ में भी आ जाएगा, उतना टाइम भी बच जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जो है बेसिस। बेसिस क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस जो है क्या है, सेट है, और एक ऐसा सेट जो कि एक ग्रुप भी है, और उसमें कई सारी शर्तें हैं, कई सारी कंडीशंस हैं, वो हमने पहले वाले वीडियोज में बताया है, ठीक है ना। तो अगर BF एक वेक्टर स्पेस है और बीटा इसका सबसेट है, ठीक है ना, सबसेट आप जान ही रहे, बीटा इसका सबसेट है, तो अगर बीटा सबसेट है डियर, तो फिर इस बीटा को बेसिस कहा जाएगा बी का, वेक्टर स्पेस का, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो, और दूसरी बात उसी से जो है वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा हो तो, उसी से जनरेट हो रहा हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वेक्टर स्पेस होगा तो ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता वो, ठीक। तो कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये डायमेंशन 2 का है, ठीक है ना, ये डायमेंशन 2 का है, जैसे डायमेंशन ये आप इसकी देखें तो ये कितना होगी, 2 होगी इसकी। ये डायमेंशन 3 का है, इसमें से ये वो स्टैंडर्ड बेसिस है, ये 1 शुरू होगा 100, फिर 1 दूसरे पर आएगा, फिर 1 तीसरे पर आएगा, समाप्त हो गया। अगर n डायमेंशन का होगा तो पहले 1 प्लेस पर होगा, फिर सेकंड प्लेस पर होगा, फिर थर्ड पर होगा, फोर्थ पर होगा, लास्ट में पहुंच जाएगा, जितने भी होंगे सब बाकी जीरो होते जाएंगे। तो ये होता है डियर स्टैंडर्ड बेसिस, यानी बेसिस है क्या, वेक्टर स्पेस में एक बीटा, कोई भी पार्ट वेक्टर स्पेस है, वो वेक्टर स्पेस आपको पहले से पता है कि वो एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। अगर उससे कोई भी हमने एक सबसेट ले लिया, और एक ऐसा सबसेट लिया कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और उससे जनरेट हो जा रहा है वो, तो फिर हम उसको कहेंगे उसका बेसिस। लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस जो 2x2 डायमेंशन के, 3x3 डायमेंशन के, n x n डायमेंशन के होंगे, वो ये होंगे, और इस क्रम से हम रख लेते हैं इसको, ठीक। फिर इसके बाद डियर अगला नंबर है इसमें से कि जैसे ये लिखा एग्जाम्पल, जैसे इसमें देखिए r² है, डायमेंशन इसकी 2 है, ठीक है ना। तो अगर अल्फा इक्वल टू हम लिखेंगे इस तरीके से, लिखने का तरीका यह होता है जिसमें से x जो है ये फील्ड का होगा इसमें, ठीक, ये डायमेंड, ये जो है यहाँ पर 1001 लिखा है, बेसिस है, इस बेसिस पर जब हम अल्फा निकाल रहे हैं तो x से 1 का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ x नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है 1 से किया तो 1, ठीक, यहाँ y से 1 किया तो 1, बाकी ये 0 हो जा रहा है, ठीक, तो x कामा y आ जाता है, ये आ गया, ठीक ना, सेट आ गया इसका जो है। नोट में दूसरी एक चीज हमने लिखा है कि अगर a1 b1 c1, a2 b2 c2, अगर a3 b3 c3, अगर ये लिखा है, ठीक है ना, तो a1 a2 और a3 पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, ये जो है li होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ही बेसिस होगा, क्वेश्चन बनता है इससे, ध्यान रखिएगा डियर, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है जो है। वो सभी चीजें मैंने यहाँ पर जो है बना के रखा हुआ है, पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन हर बार बनता है और आगे भी बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको हर एक बेसिस को आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू निकालना है। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो वही होगा बेसिस, क्योंकि वो लाई हो जाएगा वो, ठीक है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर सेकेंड नंबर पर है डियर की डायमेंशन क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, जैसे अभी मैंने बताया कि 1001 है तो इसकी डायमेंशन 2 है, ठीक है ना, 1100100001 डायमेंशन 3 होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, बेसिस में जितने भी होंगे वो कहा जाएगा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। कुछ डायमेंशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे आर टू पावर एन है तो इसकी डायमेंशन एन होगी, सी टू पावर एन और यहाँ पर आर है तो डी आर इसकी कितनी होगी, टू एन हो जाएगी। लेकिन अगर सी और सी हो जाए इसकी डायमेंशन तो इसकी डायमेंशन फिर वन ही हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें से। और इसके बाद थर्ड नंबर में है कि अगर डब्लू कोई एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना, डायमेंशन एन में, लेकिन वहां पर जो है के इक्वेशंस, रिस्ट्रिक्शन का मतलब है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब है इक्वेशंस लिखे होंगे, ठीक है ना, इक्वेशंस लिखे होंगे, रिस्ट्रिक्शन का मतलब कंडीशंस, या आप कह सकते हैं इसको कि कंडीशंस ये लिखी होंगी, तो उससे जब हम डायमेंशन W यानी वेक्टर स्पेस W है तो डायमेंशन W निकालेंगे तो n माइनस इंटरेक्ट जो है जितने भी रिस्ट्रिक्शन होंगे वो माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास W1 और W2 दो वेक्टर स्पेस हैं, सब स्पेस हैं जिनमें से जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होगा, तो पहली कंडीशन डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू एन माइनस आल, जितने रिस्ट्रिक्शन है W1, W2, W3 के, ऐसे क्वेश्चन बन के जरूर आता है, तो हम जो है डायमेंशन में उसको माइनस कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाता है डीएल, ठीक है ना, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा डायमेंशन W1, W2 निकालने के लिए डायमेंशन W1 निकालिए, डायमेंशन W2 निकालिए और इसके बाद डायमेंशन इंटरसेक्शन निकाल करके माइनस कर दीजिए। अब मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है बहुत सारे, तो जिससे आपके डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिस हो गया, दूसरा आप डायमेंशन देख रहे हैं तो डायमेंशन में क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये रहा एक, ये एक एल टी डब्ल्यू इक्वल टू ए, यानी ये वेक्टर स्पेस है, एक्स वाई जेड इक्वल टू आर क्यूब लिखा हुआ है, तो डायमेंशन ये रही, ठीक है ना, डायमेंशन वेक्टर स्पेस की ये रही, रेस्ट्रिक्शन इसमें वन है, रेस्ट्रिक्शन वन है, एन की वैल्यू थ्री है, तो फिर डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, ये रहा थ्री माइनस वन रेस्ट्रिक्शन, तो टू हो जाएगा। डायमेंशन एक्स की बात करें तो थ्री है एन और ये दो है, तो थ्री माइनस टू तो वन आ गया। ऐसा मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस ये है कि इसका पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा डियर, और ये सभी जगह यूज होंगे, डी ट्रिपल एस पी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से आता है, वहां पर ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे जो है, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल को जरा देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में W1 इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है जिसमें से n की वैल्यू, जिसमें से n की वैल्यू डियर कितनी है, फोर है, यानी फोर डायमेंशन का है ये और रिस्ट्रिक्शन टू है, फोर डायमेंशन का है ये, रिस्ट्रिक्शन वन है, तो फिर हम निकालना चाह रहे हैं कि इंटरसेक्शन क्या होगा। तो पहले ये देखिए डायमेंशन W1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस रिस्ट्रिक्शन 2, तो 2 आया, W2 की डायमेंशन क्या होगी, 4 माइनस रिस्ट्रिक्शन 1, तो 3 हो जाएगा, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन के लिए हमने आपको बता ही दिया कि दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब है कि डायमेंशन माइनस टोटल रिस्ट्रिक्शन दोनों में, यहाँ पर W1, W2, W3 भी लिखा होता, ठीक है ना, W1, W2, W3 भी लिखा होता तो जो है डायमेंशन ऑफ B जितना भी लिखा होगा वेक्टर स्पेस का और जितने रिस्ट्रिक्शन है ऑल रिस्ट्रिक्शन माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया। अब सम पूछ रहा है, तो सम में अभी अभी फार्मूला मैंने आपको बताया, सम में अभी फार्मूला बताया कि सिंगल सिंगल सभी का डायमेंशन और माइनस में कॉमन डायमेंशन कर दीजिए आप, तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए सिंगल सिंगल डायमेंशन क्या है, 2 प्लस 3 5 है, ये 2 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है ना, और ये आ गया इंटरसेक्शन माइनस 1, तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बढ़िया से आप समझ रहे होंगे, डायमेंशन के जो है फार्मूले भी याद रखिएगा और एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है कि जैसे आसान तरीके से आप निकाल लें टोटल, जब भी कभी ये पूछा जाए सम का, ठीक है ना, या यूनिट इंटरसेक्शन का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑल रिस्ट्रिक्शन माइनस करना होता है इसमें से, और इसके बाद फिर ये फार्मूला है। नेक्स्ट में आ जाइए डियर, अगले नंबर पर ये फिर मैंने एग्जांपल टू लिखा हुआ है, इसको देखिए, एग्जांपल टू हो चुका है, एग्जांपल थ्री पर आते हैं डियर, एग्जांपल थ्री पर
डब्ल्यू वन इक्वल टू ए है जिसमें से एन की वैल्यू, ठीक है ना, डायमेंशन थ्री है, टू रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर वन रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, वन रिस्ट्रिक्शन है, तो ये हो गया डायमेंशन डब्ल्यू वन, थ्री माइनस टू तो वन आ गया, लेकिन डब्ल्यू टू वेक्टर स्पेस ही नहीं है, ये नॉट ए वेक्टर स्पेस, क्यों, ये देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शन मिलेंगी आपको डियर, उनमें कभी भी लीनियर छोड़ करके कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए अलग से, यानी प्लस कांस्टेंट कोई भी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू आगे मतलब कांस्टेंट नाम की चीज नहीं होना चाहिए, मॉडुलस नहीं होना चाहिए, साइन कॉस टेन से कॉसिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एक्स वाई नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स जेड वाई स्क्वायर ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर ये है इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस नहीं है, तो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक, तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है, तो फिर इसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं आपको। इसके बाद फिर अगला नंबर है डियर, एग्जांपल फोर में हमने लिखा है कि अगर डब्ल्यू वन हमारे पास थ्री डायमेंशन का है, रिस्ट्रिक्शन वन है, थ्री डायमेंशन का है, रिस्ट्रिक्शन टू है, ठीक है ना, तो फिर डायमेंशन डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू क्या होगा, तो दोनों को माइनस कर देना है, लॉगरिथमिक की जैसी प्रॉपर्टीज है सीधे सीधे, ठीक है ना, लॉगरिथमिक की जैसी प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट आपको इसमें माइनस कर देना है, ठीक, उसी तरीके से इनटू में भी प्लस का हो जाएगा, और यहां पर डायमेंशन डब्ल्यू वन आपको दिख रहा है थ्री माइनस वन तो टू हो गया, डायमेंशन डब्ल्यू टू दिख रहा है आपको थ्री माइनस टू तो वन हो गया, तो टू माइनस वन, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, टू माइनस वन बिल्कुल एग्जैक्टली वो लिखा हुआ है हमने, मुझे लग रहा था कि मैं सब चीजें लिखता रहूंगा तो काफी देर लगेगी, तो मैंने पूरा लिखा हुआ है, बस आप इसको इत्मीनान से एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से और नोट्स बना लीजिएगा एक एक करके, क्योंकि डिटेल से मैंने लिखा हुआ है कि जिससे ये पूरी की पूरी चीज आप क्लियर हो जाएगी, बस पूरे क्लास को बढ़िया सा आप पढ़ लीजिएगा और अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं डियर अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर B कोई एक, W कोई एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F में, यानी ये स्केलर होता है ये वेक्टर, तो एक फंक्शन ऐसा जो आप लोग जानते हैं यहाँ पर F सच दैट लिखते हैं, तो ये डोमेन होता है यानी इनपुट और ये रेंज होता है, ठीक है ना, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो यहाँ T लिखना है F की जगह, तो T सच दैट B टेंड्स टू W, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं तब जब हमारे पास टी एक्स वाई करने पर, यानी जो कंडीशन दी है वहां पर हम दोनों का प्लस करें तो अलग अलग के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, अलग अलग के इक्वल हो जाए, यानी टी एक्स प्लस टी वाई के इक्वल हो जाए, अगर हम इनटू कर दें ए का, किसी भी कांस्टेंट का इनटू कर दें, ठीक है ना, स्केलर का, तो वो बाहर आ जाए, ए टी एक्स हो जाए, तो फिर हम उसको कहेंगे डियर कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाती हैं, ठीक है ना, ये जो है सभी जगह पूछा जा सकता है, पीजीटी में भी हो सकता है चांस बन जाए, टीजीटी में भी आ जाए, ठीक है ना, एलटी में तो आने ही, जीएससी में आना ही है, डी ट्रिपल एस वी में भी डेफिनेटली पूछा ही जाता है, ठीक, तो इसके साथ मैंने ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों रूल्स हैं, ये दोनों इसकी कंडीशंस हैं, ये आपको तैयार रखना है। अब इसमें एक एग्जांपल से हमने दे दिया, एफ हाफ ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा बने कि ए बाहर आ जाए तो ए एफ एक्स हो जाए, ठीक है ना, ए एफ एक्स हो जाए और बी एफ वाई आ जाए, इस तरीके से बन जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एफ हाफ एक्स इक्वल टू के एक्स लिख दिया हमने, तो फिर एफ हाफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, के एक्स प्लस वाई के, ठीक, तो ये बन गया के एक्स प्लस के वाई, इसका मतलब हुआ कि के यहां पर ये देख रहे हैं आप के एक्स जो बन रहा है ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल जो है एफ एक्स हो गया, और ये हो गया डियर एफ वाई के इक्वल हो गया, ठीक है ना, एफ वाई के इक्वल, ये अलग अलग हो गया, सेम वही चीज थी वहां पर टी एक्स, ठीक है ना, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, टी एक्स प्लस टी वाई फॉर्म में बन गया,
एक एग्जांपल है ये समझने के लिए, ऐसे बहुत सारे आगे मिलेंगे कभी। तो फिर यहाँ पर हमने बताया है कि एन जो है नल्टी फिर क्या होगी यार, इसमें से नल्टी क्या होगी, नल स्पेस कर्नल, ठीक है ना, ये कहा जाता है इसको। तो एन टी जो है एन टी बी का एक एलिमेंट है, यानी वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको टी में रखने पर डियर जीरो ही आना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रखने पर जो कंडीशंस है वहां रखने पर उस एलिमेंट को जीरो के अलावा कुछ नहीं आए तो हम कहेंगे कि वो है नलटी। अब दूसरा नंबर रेंज क्या है ये समझिएगा इसको ध्यान से। एक्स जो है बी क्या है, एक सेट है बी, एक सेट है जो है वेक्टर स्पेस, ये हम आपको बता चुके हैं पहले इसी क्लासेस में। तो अगर ये सेट है तो उससे एलिमेंट हमने लिया, उस एलिमेंट को हमने फंक्शन में रखा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है वो, कंडीशंस होंगी उसमें हमने रखा, जैसे ही हम उसमें रखेंगे तो सब जीरो अगर हो जाता है तो फिर वो जो सेट बनेगा वही होगा एनटी, ठीक। अब रेंज ऑफ एलटी क्या है, रेंज ऑफ एलटी का मतलब है कि डब्लू जो अभी बता रहे थे हम कोडोमेन, ठीक है ना, तो वो सबसेट ऑफ डब्लू है, ये लिखा है सबसेट ऑफ डब्लू है डियर, ठीक है ना, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और वो है क्या, जब आप एक्स रखेंगे, एक्स रखते जाएंगे तो जो आता चला जाएगा टी एक्स, यानी सीधी से बात है कि एक्स की वैल्यू आप रखते जाएंगे तो टी एक्स निकलता रहेगा, वही रेंज हो जाएगा इसका, ठीक है ना, वो रेंज होगा। अब थर्ड नंबर में एन टी होता क्या है फिर, एन टी डियर यानी कि नल्टी, ये सब स्पेस होता है बी का, ये सब स्पेस होता है बी का, लेकिन जो रेंज ऑफ टी है, रेंज ऑफ टी होगा डियर, वो सब स्पेस डब्लू का होता है, यानी जैसे आपने पढ़ा है कि रेंज जो है हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, तो उसी तरीके से जो रेंज है वो डब्लू का क्या होगा, सब स्पेस होगा। और सब स्पेस होता क्या है, सब स्पेस का मतलब है सबसेट ऑफ स्पेस जो है वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, सब स्पेस का मतलब है कि जो है वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब एक बात और ध्यान रखना है, डायमेंशन थ्योरम, रैंक नल्टी थ्योरम जिसको हम कहते हैं, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कोई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर नल्टी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी और इसके बाद इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ बी के, या इसको आपको याद रखना डियर, रैंक ऑफ नल्टी, सॉरी नल्टी यानी एन टी जिसको हम कहेंगे, रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन, ये बराबर होना चाहिए। अब इसी से आगे आपको और जानकारी मिलेगी कि जो ये फंक्शन है नीलर जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा कि ये फंक्शन ही है, तो ये जो है होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म यानी कि 1 1 2 होगा कि नहीं होगा, इससे भी क्वेश्चन बन करके आता है, इसकी कंडीशंस भी हम लिखाएंगे, इसकी थ्योरम्स भी, इसके रिजल्ट्स भी, ठीक है भैया, तो ये आपको याद भी रखना, इससे रिलेटेड होगा वो, तो आज तो खैर फिलहाल वो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी सारा है इसमें से भी, ठीक है। अब आते हैं डियर जरा इसको देखिए, यहां से एग्जाम्पल जरा देखिए, हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एल टी, ये आर स्क्वायर टेंस टू आर क्यूब है, यानी ये बी का है और ये डब्लू का है, अगर ये एल टी है और डिफाइन बाई है इससे, तो फिर सबसे पहले हमने पूछा रैंक ऑफ टी क्या होगी, तो रैंक ऑफ टी तब आप निकाल पाएंगे जब उसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, रैंक तभी निकलेगी डियर जब आप उसका जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ही आसान है, कैसा आसान है वो, अगर हमारे पास नहीं कुछ लिखा है, बेसिस कुछ भी ना दिया हो, तो हम सीधे सीधे स्टैंडर्ड बेसिस का ही यूज करते हैं, केवल स्टैंडर्ड बेसिस का, लेकिन लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करिए कि ये हमारे पास देखिए ये रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है, एक रिस्ट्रिक्शन दूसरी तीसरी है ये, तो यहाँ पर जो है आर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये आर क्यूब है, तो ये जो है ये नंबर ऑफ रो होता है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी एन टेंस टू आर टू पावर एम है, तो फिर एम बाई एन का बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, यानी जो बाद वाला है, यानी जो कोडोमेन है, जो रेंज है, वो होता है ρ
रो और उस जो है जो डोमेन है वो होगा कॉलम, ठीक है ना डियर। तो ये बन गया देखिए। अब इसमें क्या है, यहां पर निकालने का तरीका इतना सिंपल है कि आप फर्स्ट एलिमेंट यानी पहले एक्स 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 लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर वन है, इसका कोएफिशिएंट वन है, इसका भी कोएफिशिएंट वन है और आगे नहीं है तो जीरो हो गया। इसका मतलब इसको कॉलम में लिखना है, तो वन वन और जीरो, ठीक है ना। यहाँ पर आर क्यूब है, थ्री रो होगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो आपको करना क्या है कि ये वाले एलिमेंट्स जो है जो ऐसे आएंगे वो कॉलम में होंगे, फिर दूसरे आएंगे वो दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे आएंगे तीसरे कॉलम में। तो ये देखिए यहाँ पर वाई वन है, फिर ये माइनस वन है, फिर वो वन है, तो वन माइनस वन और वन, थ्री बाई टू का हो गया। अब ये वैल्यू इसकी जीरो दी हुई है, ठीक है ना, तो श्योर है कि इसकी रैंक जो है कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा। अब ये वन माइनस वन कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा इसको, ठीक है ना, ये माइनस टू आ जाएगा, ठीक। ये अब इसके बाद अगर इसको दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये जीरो होने के बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो रैंक इसकी टू आ जा रही है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर ऐसे निकालना है आपको, ये देखिए भाई, सबसे पहले मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला तो जीरो है ही है, इसको जीरो कर रहे हैं हम। तो इन दोनों को, इसको जीरो करने के लिए हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, बाई आर टू माइनस आर वन। तो ये देखिए जैसे माइनस करेंगे तो वन वन तो है ये, वन माइनस वन तो जीरो हो गया, ये माइनस वन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, ये जीरो वन है इसमें से, ठीक। अब यहां देखिए ये वैल्यू ये बन जा रहा है इसमें से, ठीक। अब नॉन जीरो रोज हमें निकालना है, तो अभी तो नॉन जीरो रोज आपको कहाँ दिख रही है, अभी तो थ्री दिख रही है पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब थ्री जब हमारे पास दिख रहे हैं तो हम अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखिए तो ये वाला पार्ट जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जीरो हो जा रहा है। और अगर हम इसमें यहाँ पर वन बाई टू का मल्टीप्लाई करके इसके साथ अगर ऐड कर दें, माइनस ऐड कर दें, तो ये तो जीरो जीरो रहेगा, तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ बाई आर थ्री, तो आर थ्री और प्लस करेंगे तो ये माइनस बना ही रहेगा, प्लस वन बाई टू आर टू। तो ये देखिए वन बाई टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, आर थ्री में प्लस करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, यहाँ पर हम वन बाई टू करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, इसके साथ प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा डियर क्या, ये वन वन और ये जीरो माइनस टू और ये जीरो जीरो। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको दिख गया जो है टू नॉन जीरो रो है, तो रैंक इसकी टू आ जाएगी। जब रैंक, ठीक है ना, और इसमें डायमेंशन ऑफ बी कितना दिख रहा है, टू डायमेंशन अगर देखा जाए ये, तो टी सच दैट बी टेंस टू डब्ल्यू है, तो डायमेंशन बी इक्वल टू आपको टू नजर आ रहा है, ठीक है, और डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल टू थ्री दिख रहा है, डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल टू थ्री दिख रहा है। तो इस तरीके से हम उसको निकाल करके रैंक नलिटी थ्योरम से बाकी सब चीजें भी निकाल सकते हैं, नलिटी भी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जरा देखिए, अब इसमें से हमने लिखा है कि इनमें से कौन सा एलटी है, कौन सा एलटी है। तो अभी मैंने कुछ देर आपसे बताया कि जब भी जितने भी रेस्ट्रिक्शन लिखे होंगे, जितने भी कंडीशंस दी होंगी, उनमें सबके आपको देखना है कि क्या जो कांस्टेंट किसी में है क्या, प्लस माइनस में, यहां पर है इसलिए ये नहीं होगा, ये देखिए इसकी बदौलत नहीं होगा, यहाँ पर ये इनटू है इसलिए इसकी बदौलत ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडुलस है इसलिए नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सभी बन गए, ये पूरे के पूरे बन जा रहे हैं, नहीं होगा, यहाँ मॉड एक्स प्लस वाई लग गया तो नहीं होगा। यानी इनमें से ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पूछे जाएंगे डियर, और सेकेंडों में आप बता देंगे कि कौन सा वेक्टर स्पेस है, कौन सा नहीं है, कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा नहीं है।
कौन सा जो है रैंक उसकी क्या होगी, नल्टी उसकी क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी उसकी, ये बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसका यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, प्लस इनटू क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा। इसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर बेसिस ना दिया हो तो फिर स्टैंडर्ड बेसिस में ही लेते हैं। जैसे ऐसे लेंगे वो कॉलम में लिखेंगे, फिर दूसरा दूसरा लेंगे फिर वो कॉलम में, ठीक। जो कोडोमेन का जो है लिखा होगा पावर आर क्यूब आर पावर फोर आर स्क्वायर, वो होता है नंबर ऑफ रो, और जो डोमेन का होगा वो होगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। तो यहां पर हमारे पास ये लिखा, देखिए वो वन हो गया, इसकी बदौलत ये भी नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर देखिए साइन एक्स की बदौलत ये भी नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये देखिए समय मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपके मन में बात आ रही होगी कि सर अगर एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई होता है तो बिल्कुल एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन प्लस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, मॉडुलस में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ये नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है इसका मतलब है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वेक्टर स्पेस भी है। तो ये हो गया डियर, ये है एलटी, और बाकी पूरे एलटी के केस नहीं थे, इसीलिए मैंने सब लिखा था वो। अब इतना समय लिखता अगर पहले से ना लिखता ये तो श्योर है कि टाइम वेस्ट होता। अब समझाने में बहुत आसान हो जाता है कि लिखा हुआ है तो बस केवल आप लोगों को समझाना है पूरी एक एक चीज में कि कैसे बन जा रहा है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको जो मैंने लिखा इसमें से। अब यहाँ पर देखिए एलटी है आर क्यूब से आर स्क्वायर में डिफाइन है, ठीक। ये तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा इसका, वो बनाना है। तो अभी अभी हमने कहा आपसे कि जब बेसिस ना दिया हो तो स्टैंडर्ड बेसिस मान के चलते हैं, तो ये वन हो गया, यहाँ पर ये जीरो है, तो ये देखिए वन और जीरो, लेकिन टू बाई थ्री का बनेगा क्योंकि रो टू है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रो होगी और ये कॉलम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने लिया जो है एक्स का कोएफिशिएंट वन है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स नहीं है डियर, तो जीरो हो गया, तो वन जीरो। फिर वाई का लेना शुरू किए तो वाई का ये वन है, इधर भी वन है, तो वन वन। जेड का यहाँ है नहीं, वहां जेड का वन है, तो जीरो और वन, ये हो गया। अब इसके बाद डायमेंशन, तो डायमेंशन बी तो आपको दिख ही रहा है, ये थ्री है, डायमेंशन बी थ्री दिख रहा है आपको। रैंक निकालना है इसकी, तो रैंक आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम एक ये जीरो है यहाँ पर, और यहाँ देखिए ये टू बाई थ्री का है, तो जब भी टू बाई थ्री का आता है, थ्री बाई टू या टू बाई थ्री, तो रैंक टू ही आती है ज्यादातर, रैंक टू ही आएगी। जब रैंक टू आ रही है, डायमेंशन भी है, तो नल्टी में, नल्टी निकालने के लिए डायमेंशन में रैंक को माइनस कर दीजिए, रैंक को माइनस कर दीजिए बाई रैंक नल्टी थ्योरम, ठीक है ना। नल जो है बाई रैंक नल्टी थ्योरम या डायमेंशन थ्योरम, हम इसको तुरंत निकाल सकते हैं। डायमेंशन बी में से रैंक को माइनस कर देना है आपको, तो आ जाएगी तुरंत नलटी आ जाएगी, ठीक है ना। और इसी से आगे बनना है डियर, अगर नलटी जीरो हो जाए, ठीक है ना, नलटी अगर जीरो हो जाए तो फिर समझ जाइए कि वन वन होगा। हालांकि ये फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मिलेगा। यहां पर देखिए अगला नंबर, फिर एक आर क्यूब से आर क्यूब है, यानी कि थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स बनेगा, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये देखिए वन, लेकिन यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, तो वन जीरो वन, वन जीरो वन, ये हो गया। फिर वाई में वन वन, वहाँ नहीं है, तो वन वन जीरो, कॉलम में लिखना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक्स को काउंट करना है, ऐसे वाई को काउंट करना है, उनके कोएफिशिएंट, ऐसे ही जेड को काउंट करना है, लेकिन लिखना है सही। जेड में ये जीरो है, ये वन, ये वन, ये हो गया थ्री बाई थ्री। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए आप, तो डिटरमिनेंट इसका जीरो नहीं हो रहा डियर, डिटरमिनेंट जीरो आप नहीं हो रहा, निकाल सकते हैं आप, इसलिए रैंक इसकी क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। और डायमेंशन भी थ्री है, डायमेंशन भी थ्री है, तो नल्टी जीरो हो गई, देखिए नल्टी इसकी जीरो आ गई, नल्टी जीरो होगी, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। ये चीज़ें तो फिलहाल आगे पढ़ना है अभी, और फिर से अभी कई चीज़ें रिवाइज होंगी, लेकिन ऐसे आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स किसी भी एलटी का कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया था कि जिससे मैं पूरा लिख दूँ एक बार आप लोगों को समझाने के लिए,
तो यहां पर ये लिखा हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सब हमें निकालना है। तो डायमेंशन बी तो दिख रहा है मुझे, थ्री हो गया, नल्टी और ये सब निकालना होगा, ठीक है ना। तो पहले तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना हो रहा है, देखिए एक्स का कॉफिशियंट थ्री है, फिर वन है, फिर टू, थ्री वन टू। वाई का माइनस थ्री है, माइनस थ्री है, माइनस वन है, वन। जेड का ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन, जीरो जीरो और वन, ये आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, जब यहां पर हम जो है डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो डिटरमिनेंट जब निकालना चाह रहे हैं नियर, तो हम ये जीरो जीरो दिए हैं तो इसको लेकर के कर लेंगे, तो फिर ये बचा वन, तो ये कितना हुआ, ये पॉजिटिव आएगा, ये माइनस थ्री हो गया और ये प्लस थ्री हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, ये माइनस थ्री और ये माइनस माइनस प्लस थ्री, इसका मतलब जीरो आ जा रहा है। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये वन वन और ये वन प्लस थ्री, लेकिन इसका माइनर जीरो नहीं है, इसका माइनर जीरो नहीं है डियर। अब माइनर जीरो नहीं है, इसका मतलब इसकी रैंक टू आ जाएगी, रैंक टू आ जाएगी, ठीक है ना। बट माइनर नॉट इक्वल टू जीरो, और माइनस का ऑर्डर टू बाई टू है, ये देख लीजिए, ये वाला आप ले लीजिए, ठीक, ये वाला आप ले लेंगे तो नहीं जीरो हो रहा है, ठीक है ना। माइनस लेना है हमें, तो माइनस सभी माइनस जीरो नहीं हो रहे, एक भी अगर ना जीरो हो तो समझ लीजिए रैंक आ गई उसकी। अब जब ये सब चीजें मिल गई तो नल्टी तो बड़े आराम से आ गई, डायमेंशन थ्री माइनस टू तो वन आ गई। इस तरीके से डियर जो है हम रैंक नल्टी थ्योरम का यूज करके लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एलटी। तो सेम चीज, अब इसको मैंने वैसे लिख दिया है बना करके डायरेक्ट, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस में और बिना दिए हुए डायरेक्ट ही बनता है, वही बनता है निकालने का। कैसे बनता है आगे बताता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए थ्री, मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ, थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव, ये देखिए थ्री रो है ना, फिर इसके बाद माइनस वन, फोर माइनस सिक्स, माइनस वन फोर माइनस सिक्स, हो गया थ्री बाई टू का। अब इसके बाद जो भी चीजें और पूछी जाती है इसमें, फिर सब एक एक करके निकाल सकते हैं, यानी इससे फिर रैंक निकालेंगे। डायमेंशन दी हुई है, ठीक है ना, डायमेंशन दी हुई है, रैंक निकालेंगे, नल्टी आ जाएगी, ठीक है ना, उसी फार्मूले से, ठीक है डियर। अब यहां पर आ जाइए, फिर एक अगला क्वेश्चन मैंने दिया है स्टैंडर्ड बेसिस पर, फिर से वही चीज। तो फिर वही स्टैंडर्ड बेसिस में वन वन, ठीक है ना, ये देखिए थ्री रो का है और ये जीरो, वन वन जीरो, और यहां देखिए वन माइनस वन वन, वन माइनस वन और वन, ये आ गया थ्री बाई थ्री का। बाकी रैंक नल्टी थ्योरम का यूज करके सब चीजें फिर इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट में आ जाइए डियर, स्टैंडर्ड बेसिस। अब ये थ्री का, ये देखिए थ्री इधर है, टू उधर है, अभी जब आप इसमें देख रहे थे, ठीक है ना, जब आप इसमें देख रहे थे, ये देखिए, तो ये टू थ्री था, तो टू यहाँ पर है और थ्री यहाँ पर है, ठीक। इस वाले में आप देख रहे हैं कि थ्री यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास ये हो गए थ्री डायमेंशन के, थ्री डायमेंशन के, डायमेंशन ये होती है, यही स्टैंडर्ड बेसिस लिया जाता है। डायमेंशन भी ये है, वहां डायमेंशन भी टू है, इसी को लेना है आपको, यही है डायमेंशन, इसमें से उसी का बेसिस लिया जाएगा, वेक्टर स्पेस का ही लिया जाता है, और वेक्टर स्पेस पहले वाला ही लिया जाएगा, क्योंकि इनपुट यही है, इनपुट यही डियर, इसीलिए इसको लेना है हमें पहले, ठीक है ना। तो हमने बना दिया ये वन, फिर यहाँ पर है ही नहीं है कुछ, तो जीरो, तो वन और जीरो हो गया। दूसरे में वन और वन, वन और वन हो गया। जेड में यहाँ जीरो, यहाँ वन, तो ये बन गया। अब इसके बाद फिर बाकी आगे सब चीजें वो फिर कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है ना। इन सभी में आप करना चाहें तो रैंक नल्टी सब चीजें आप निकाल लीजिएगा, ठीक। अब मैं जरा इसको समझाता हूँ आपको कि निकालते कैसे हैं, अगर हमें पूरा निकालना ही है स्टैंडर्ड बेसिस पर, ठीक है ना। सपोज करिए कि स्टैंडर्ड बेसिस पर हमें निकालना ही है वन जीरो जीरो पर, ठीक है ना, जीरो वन जीरो पर और जीरो जीरो वन पर,
सपोज करिए कि मुझे निकालना ही निकालना है पूरा ये, तो अगर सब निकालना ही है तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ टी वन जीरो जीरो लिखा, पहला स्टैंडर्ड बेसिस चाहे जो भी लिखा हो, करना यही है, लिखने का तरीका यही है डियर। जब हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हमें निकालना ही हो, पहली बात तो स्टैंडर्ड बेसिस से निकालना नहीं क्योंकि डायरेक्ट वही आता है, पहली रो को बस पहला कॉलम आपको बना देना है, ठीक। लेकिन अगर हमें निकालना ही पड़े, कोई अदर बेसिस दिया हुआ है, तो हम ऐसा रखेंगे टी, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई जेड है, तो वन 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 जीरो जीरो रख दिया हमने, दूसरा जीरो वन जीरो रख दिया, तीसरा जीरो जीरो वन, अगर कुछ दूसरा बेसिस है तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब यही वैल्यू उठा करके रख लिया एक एक करके, तो एक्स इक्वल टू वन रखा आपने, ठीक है ना, बाकी वाई ये जीरो हो जा रहा है, यहां पर आपने रखा पहला तो थ्री आया, ठीक, ये वैल्यू यहां रखी आप थ्री, ठीक है ना, यहां पर आपने रखा माइनस टू आया, यहां पर आपने रखा, तो यहां जब रखेंगे तो माइनस वन आ गया, ये आप पहले रख लेंगे इसको, ठीक है ना, ये आप जो है ये रखना है डियर, ऐसे लिख लेना है आपको पहला स्टेप, देख लीजिए अच्छी तरीके से, जो वहां स्टैंडर्ड बेसिस या कोई भी बेसिस है उसको आपको एक एक रिस्ट्रिक्शन में रखना है। तो पहले में रखा हमने, तो एक्स वन है तो ये जी थ्री आ गया, एक्स वन है तो माइनस टू आ गया, एक्स वन है तो माइनस वन आ गया, बाकी सब जीरो है। दूसरे में आइए, जब दूसरा लेंगे हम तो फिर वाई केवल लेना है, बाकी जीरो, तो ये जीरो हो गया, वाई केवल लेना है बाकी जीरो, तो ये वन हो गया, यहां पर वाई लेना है बाकी जीरो हो गया, तो टू आ गया, ये हो गया। तीसरे में आ जाइए, तीसरे में केवल जेड वन लेना है बाकी ये जीरो, तो वन आ गया, यहां पर है ही नहीं तो जीरो आ गया, यहां पर ये जीरो हो गया तो फोर आ गया, ये आ गया। अब आगे क्या करना होता है, अब आगे क्या है यहां पर, यहां पर आप रख लीजिए कि ए वन, ए वन और पहला स्टैंडर्ड बेसिस वन जीरो जीरो प्लस बी वन जीरो वन जीरो, ठीक है ना, और प्लस सी वन, प्लस यहां जगह कम है डियर, सी वन जीरो जीरो वन, ऐसे लिखना है आपको। हमने पहले में ए वन बी वन सी वन लिख दिया है, फिर आप ए टू बी टू सी टू, अब जैसे इसको बनाना था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हमें पता है कि तुरंत बन गया, ये देखिए थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक, आर क्यूब में लिखा है, देखिए यहाँ पर ये आर क्यूब में लिखा हुआ है, आर क्यूब टू आर क्यूब, जब एक ही चीज लिखी है तो इसका मतलब दोनों सेम है, बी का भी डायमेंशन वही है और डब्ल्यू का भी डायमेंशन वही है पूरा का पूरा, फिर उसमें कुछ अलग से नहीं करना है आपको डियर, ठीक है ना, दोनों चीजें वही फिर मान के चली जाएंगी। तो जब हमने ये लिखा यहाँ पर, अब इसको जरा देखिए क्या बनाइए, ए से आप इसका मल्टीप्लाई करिए ए वन से, तो ए वन वन हो गया, यहाँ पर जो है ये बी वन जब एक्स का करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर सी वन भी जीरो हो जाएगा, तो केवल ए वन आ रहा है। अब ए वन की वैल्यू थ्री आ रही है, ठीक है ना, पहले ए वन है मतलब पहले पहले मल्टीप्लाई करना है, तो बी वन जीरो सी वन जीरो, तो केवल ए वन बचा, तो मैं एक का लिख रहा हूँ डियर यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि जगह कम है मुझे यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ए वन प्लस बाकी जीरो हो जा रहा है ये। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में आइए, तो जब दूसरे वाले में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये पहला वाला कंपेयर हुआ ए वन इक्वल टू, ठीक, इसी तरीके से दूसरे का कंपेयर करेंगे तो ए वन यहाँ पर जीरो हुआ, केवल बी वन आया और सी वन भी जीरो हो गया, ठीक, ये लेकिन इनकी वैल्यू रखते जाना है, ये थ्री है, ठीक है ना, ये थ्री है, ठीक। उसी तरीके से जब दूसरे वाले में करेंगे, देखिए पहले पहले में ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से, पहला काम है कि जो भी बेसिस दिया है उस बेसिस को यहाँ पर हमें रखना है एक करके, ठीक है ना, ये एक्स वाई जेड की जगह पर सभी में रख दीजिए तो ये मिल जाएंगे हमें, ट्रिपलेट मिलेंगे ये, ठीक है ना, ये वेक्टर इस पे ये मिलेगा, और जब ये मिल जाएगा तो फिर हम स्टैंडर्ड बेसिस या कुछ भी बेसिस दिया हो उसके साथ ए वन बी वन सी वन रख देंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से दूसरे वाले में रख देंगे ए टू बी टू सी टू रख देंगे, ए थ्री बी थ्री सी थ्री रख देंगे। तो जब हम यहाँ पर इसमें रख रहे हैं, तो रखने के बाद हम पहले ए वन का फर्स्ट में, बी वन का फर्स्ट में, सी वन का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लेंगे और कंपेयर कर देंगे, दोबारा फिर सेकंड में रखेंगे, तो ए वन जीरो हो गया, बी वन बचा वन, तो जीरो प्लस बी वन प्लस जीरो ये इक्वल टू माइनस टू, कंपेयर करने पर। तीसरे में जब रखेंगे तो ये जीरो और सी वन आ गया,
और ये इक्वल टू माइनस वन। अब ये जो वैल्यू आई है, ये ए वन बी वन सी वन की वैल्यू आ गई, सामने दिख रहा है आपको, तो a1 b1 c1 ही हमें चाहिए था कि ये है क्या, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, तो a1 b1 c1 जो भी आएगा ऐसे उसको कॉलम में लिखेंगे, और वही है देखिए 3 - 2 - 1, ये सामने ये इक्वल टू हो गया a1, ये इक्वल टू हो गया b1, और ये हो गया इक्वल टू c1। सेम केस डियर, सभी में ऐसे करना होगा, एग्जैक्टली सेम केस, बिल्कुल वही सेम केस आपको लगाना है। तो इससे क्या है, आपको मैट्रिक्स मिल गया, ठीक। सिमिलरली इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, एग्जैक्टली। तो अब मैं यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग इसको खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको मिल गया, ठीक है ना। मैंने एक मेथड आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है ना। फिर भी अगर करना चाहें तो चलिए दूसरी तरफ करते हैं फिर, तो ठीक है ना, चलिए हम कर ही देते हैं। तो 0 1 2 सेम चीज वही लिखना है, 0 1 2 में 0 0 1 2 में यहाँ पर a2 1 0 0 b2 0 1 0 c2 0 0 1। तो क्या बना, देखिए a2 बना, फिर 0 + 0 और इक्वल टू 0, फिर 0 + b2 + 0 इक्वल टू 1, फिर 0 + 0 + c2 और इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ गई a2 की, ये वैल्यू b2 की, और ये वैल्यू c2 की, यानी 0 1 2 0 1 2 ये आ गया। ये देखिए इसमें y नहीं है तो 0, इसमें y है तो 1, और इसमें 2, 0 1 2 हो गया। अब इसी तरीके से 104 का कर लेते हैं, 104 का, ठीक है ना, 104 का भी कर लीजिए, 104। तो ये a3 1 0 0 b3 0 1 0 c3 0 0 1। तो कंपेयर करेंगे तो a3 बाकी 0 इक्वल टू 1, और फिर इसके बाद ये 0 प्लस b3 0 इक्वल टू 0, और इसके बाद फिर 0 प्लस 0 प्लस c3 इक्वल टू 4। तो ये आ गया a3, ये आ गया b3, और ये आ गया c3, ये हो गया। बस अब आपको लिख देना है, देन a इक्वल टू, मैट्रिक्स आपके सामने तैयार हो गया। मैट्रिक्स में पहला क्या है, पहला आपने देख लिया इसमें से कि कितना है, 3 - 2 - 1 3 - 2 - 1, और दूसरा क्या है, 0 1 2, और तीसरा क्या है डियर, 104। अब इसके बाद ये, फिर इसके बाद रैंक निकालना, नल्टी निकालना, वो सब आप पहले से कर चुके हैं डियर, ठीक है ना, पहले से आप कर चुके हैं, ठीक है। तो अब सेम कंडीशन का क्वेश्चन ये, ठीक है ना, सेम कंडीशन का क्वेश्चन ये है, ये अब एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको भी करना है। तो चलिए 1 1 रखिए, तो जब 1 रखा यहाँ और यहाँ भी 1, तो ये 3 आ गया, यहाँ रखिए 1 और 1 यहाँ भी रखिए, तो 1 - 3 तो -3 आ गया, वहां भी रखिए 3 1 तो 3 आ गया। दूसरा 1 1 0 रखिए, तो 1 और 1 ये 0 हो गया, जेड 0 है तो यहाँ 1 ही है तो 2 आ गया। यहाँ 1 1 0 तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 - 4 तो -3 आ गया, ठीक है ना, और वो वाला x1 ही है, ठीक है ना, तो 3 आ गया। तीसरे में 1 0 0 है तो 1, और बाकी ये दोनों 0 तो 0 हो गया। यहाँ पर 1 है बाकी वो 0 है तो 1 हो गया, वहां पर भी 3 है, ये हो गया डियर। अब यहाँ पर सेम कंडीशन, अब ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, अब ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, तो ये उस तरीके से बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ आपको अलग ही करना है, लेकिन लिखना वही है, a1 1 1 1, ठीक है ना, b1 1 1 0 1 0 0 ये हो गया।
अब जरा एक का पहले हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जब एक का कैलकुलेट करेंगे डियर तो क्या बना, देखिए ए वन बना यहाँ पर पहला, फिर बी वन बना, ठीक है ना, प्लस सी वन भी बन गया, और ये इक्वल टू है थ्री, पहला इक्वेशन हो गया। फिर ए वन में वन, तो फिर ए वन बना दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर बी वन भी बन रहा है, लेकिन सी वन जीरो हो गया और ये है माइनस थ्री। फिर तीसरे में तो ए वन भी बन रहा है, ठीक है ना, फिर बी वन भी बन रहा है, ठीक है ना, नहीं बी वन जीरो हो जा रहा है, बी वन जो है जीरो हो जा रहा है और सी वन भी जीरो, तो ये हो गया थ्री। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ए वन इक्वल टू थ्री आ गया, ए वन इक्वल टू थ्री यहां रख दीजिए, जैसे थ्री यहां रखेंगे तो ये थ्री उधर चला जाएगा, ठीक है ना, उधर चला जाएगा, तो बी वन इक्वल टू माइनस सिक्स आ जाएगा, बी वन इक्वल टू माइनस सिक्स आ जाएगा। जब बी वन माइनस सिक्स आ गया और ए वन थ्री आ गया, ए वन थ्री है, बी वन माइनस सिक्स है, ए वन थ्री है तो थ्री थ्री कट गया, बी वन माइनस सिक्स है तो सी वन सिक्स आ जाएगा, ठीक है ना, सी वन, ये तीनों को सॉल्व करना है, यानी पहला कॉलम मिल गया आपको, क्या मिला, थ्री माइनस सिक्स सिक्स, थ्री माइनस सिक्स सिक्स पहला कॉलम मिला। सेम कंडीशन दियर, बिल्कुल एग्जैक्टली ए टू बी टू सी टू करके करिए, ए थ्री बी थ्री सी थ्री करके करिए, ठीक है ना। तो अगले में आते हैं जरा, टू माइनस थ्री थ्री, फॉर टू माइनस थ्री थ्री, टू माइनस थ्री थ्री में हमारे पास है ए टू वन 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 और बी टू वन वन जीरो और सी टू में वन जीरो जीरो, यही है बेसिस इसका, एक बार जरा देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ फिर से कंपेरिजन करिए फटाफट, तो ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू, पहले में तो वही रहेगा हर बार, तो ये टू हो गया, फिर दूसरे में ए टू बी टू है लेकिन ये जीरो हो गया है तो ये माइनस थ्री हो गया, तीसरे में केवल ए टू है और ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो थ्री आ गया, तो फिर ए टू थ्री हो गया, ए टू इक्वल टू कितना है डियर, थ्री है, ए टू यहाँ पर थ्री रखेंगे तो इधर आ जाएगा, तो बी टू क्या हो गया, माइनस सिक्स हो गया, बी टू माइनस सिक्स आ जा रहा है, ये देखिए माइनस, यहाँ थ्री रखेंगे तो ये माइनस सिक्स आ जाएगा। अब इसके बाद जब ए टू थ्री यहाँ रखेंगे और बी टू माइनस सिक्स करेंगे तो माइनस थ्री बचा, तो माइनस थ्री यहाँ बचेगा तो सी टू इक्वल टू फाइव हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस थ्री प्लस टू फाइव आ जाएगा, ये आ गया तीनों। फिर अगले वाले में आ जाइए, फॉर अगला क्या है, टू माइनस थ्री थ्री हो गया, जीरो वन थ्री, जीरो वन थ्री, ये इक्वल टू क्या है, ए थ्री वन 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 प्लस बी टू वन वन जीरो, बी थ्री प्लस सी थ्री वन जीरो जीरो, ये हो गया सेम चीज। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा तो आपको डियर ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है ना, तो बस सेम तूफान की तरीके से लिखिए, बहुत तेज आप लिख सकते हैं इसको, तो ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस ये जीरो है इक्वल टू वन, और तीसरे में ए थ्री है केवल, बाकी दोनों तो जीरो हो जा रहे हैं तो थ्री, तो आप देख रहे हैं ए थ्री इक्वल टू थ्री ही आ गया। फिर से जैसे ए थ्री यहाँ थ्री रखेंगे, ठीक है ना, तो ये उधर चला जाएगा तो बी थ्री माइनस टू हो जा रहा है, ठीक ठीक है ना, अब ए थ्री थ्री है, बी थ्री माइनस टू है तो वन बचा, तो सी थ्री इक्वल टू माइनस वन आ जा रहा, बस हो गया। देन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये आ गया डियर आपके पास, पहले में क्या है, आपको क्या मिला है, पहले में आपको मिला हुआ है थ्री माइनस सिक्स सिक्स, थ्री माइनस सिक्स सिक्स ये मिला है, दूसरे में ये रहा थ्री माइनस सिक्स फाइव, थ्री माइनस सिक्स फाइव, और तीसरा जो आपको मिला हुआ है रियर थ्री माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, ये आ गया थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। तो आज हमने आपको बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है,
पहले तो बेसिस बताया, फिर डायमेंशन बताया, उसके जो है फार्मूलेस कंडीशंस वो बताया हमने, फिर कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, कब होगा, ठीक है ना, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, नलटी कैसे निकालते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बेसिस पर हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये सभी केसेस मैंने आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किया है। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा डियर, हम फिर हम लोग अगले लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक, मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर, ओके डियर।